डियर स्टूडेंट्स ऑफ ट्वेल्थ क्लास असल वरह वरक टुडे वी विल भी द पाइम एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लास रूम इन ए सलम एरिया एंड दिस इज ए पाइम रिटन बाई स्टन स्पेंडर यानी इस पाइम को लिखा है स्टफिन स्पेंडर ने जो कि इंग्लिश पाइट रह चुके हैं तो इसमें जो सलम एरिया में एक स्कूल है उसको डिस्क्राइब किया गया है एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए स्कूल क्लास रूम इन एसलम एंड दिल्ड्रेन इन द्लास एक तरफ से सलम एरिया और दूसरी तरफ से उन बच्चों के हालात जो सलम एरिया में पढ़ रहे हैं चूंकि पॉइंट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो बच्चे हैं इनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है तो उनको लगता है कि हम अनवान्टिड है हम वांटिड नहीं है और उनके जो चेहरे हैं वो बिल्कुल परेशान से लग रहे हैं टेंशन में है और उनके जो सिर है वो उनको लग रहा है कि हम गरीब हैं और गुरबत की वजह से वो अपने जो सिर हैं वो नीचे झुकाते हैं यानी उनको इन्फरटी कम्प्लेक्स हो रहा है बिकॉज ऑफ पवर्टी क्योंकि हमारे देश में हमारे मुल्क में आ, एक कसर तदाद ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गरीब हैं और बेचारे मजदूरी करने पर मजबूर हो जाते हैं और आ, उनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल डिजीजड लगता है और डिजीजड क्यों है बिकॉज दे डोंट गेट द प्रॉपर डाइट और उनके जो पेरेंट्स है वो गरीब है वो अफोर्ड नहीं करते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छा सा डाइट दे और उनके जो कमरे हैं उनमें कोई वेंटिलेशन नहीं है उनमें कोई लाइट नहीं है और वो डिम है तो उस वेंटिलेशन की वजह से उनके जो ये आंखें हैं तो उन पर भी असर होता है और उनको लगता है कि हम दूसरे बच्चों से अलग हैं क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये सलम एरिया में रह रहे हैं उनका स्कूल भी है वो सलम एरिया में उनका स्कूल जो है वहाँ कोई फैसलिटी नहीं है क्लासरूम रूम दर, डरती है लोगों ने चार्ट्स वगैरह डोनेट किए हैं किसी ने शेक्सपियर की पिक्चर डोनेट की है और किसी ने दूसरे आ, दूसरा पोस्टर डोनेट किया है लाइक टायरोल लेसी वैली लेकिन उनको लगता है कि उनको अच्छा नहीं लगता है कि ये जो ब्यूटीफुल क्रिएशन है वॉल पर क्योंकि उनको लगता है हम जेल में हैं तो और एक और चीज़ है वो मैप ऑफ वर्ल्ड है लेकिन उन बच्चों के लिए ये जो चीज़ें हैं ये जो तस्वीरें हैं शेक्सपियर की या मैप ऑफ वर्ल्ड है उनको लगता है कि हमारे ये हमारे है मेरे लिए काम की चीज़ नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल सलम एरिया में ट्रैप हो रहा है सलम एरिया किसको हम कहेंगे कि जहाँ बस्ती बिल्कुल गंदी हो जहाँ कोई ये ड्रेनेज सिस्टम न हो जहां पुअर लोग होते हैं पुअर स्ट्रिकन पीपल वहां पर रह रहे हैं तो उनको लगता है कि हमारा जो फ्यूचर है पइट को लगता है कि इन बेचारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो बहुत डिम है वो बहुत होप, होपलेस है नो डाउट दे आर इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस है लेकिन बट दे डोंट हैव द फैसिलिटी सो दैट दे विल एक्सेल और प्वाइट चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं क्लासरूम में सलम एरिया के क्लासरूम इनको बाहर लिया जाए सो दैट दे विल शो सम एबिलिटीज क्योंकि ये बच्चे जो है ये बिल्कुल इनको नफरत है ये क्लासरूम में नहीं रहना चाहते हैं ये में बाहर जाना चाहते हैं नेचर को स्टडी स्टडी करना चाहते हैं ग्रीन फील्ड को स्टडी करना चाहते हैं और इनको लगता है कि ये बच्चे जो है जब ये बिल्कुल डिप्रेशन में होते हैं पुअर होते हैं दो दे इंडल इन वेरियस एंटी सोशल एक्टिविटी यानि क्राइमस में ये इन्वाल्व होते हैं स्टीलिंग में ये इन्वाल्व होते हैं और उनके जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल फटे फ्राने कपड़े होते हैं और उनकी जो बॉडी होते है इज जस्ट लाइक सिकल्टन बिकॉज दे डोंट हैव द प्रॉर न्यूट्रिशन दे डोंट गेट द बैलेंसड डाइट और उनकी आंखें जो है उन, उनकी जो चमक है वो भी खत्म होती है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी बिकॉज ऑफ द एनवायर्मेंट ऑफ द स्कूल बिकॉज द एनवायर्मेंट ऑफ द स्कूल इन सलम एरियाज इज वेरी अनकंफर्टेबल फॉर दीज चिल्ड्रन एक तरफ से ये बेचारे उनको डाइट नहीं मिल रहा है उनको प्रॉपर केयर नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ जो स्कूलिंग फैसिलिटी है वो भी नहीं इनको मिल रहे और ये बच्चे चाहते हैं कि हम सलाम एरिया से बाहर निकले और ताकि इन बच्चों के की जो डेवलपमेंट है ऑलराउंड डेवलपमेंट और पार्ट रिक्वेस्ट करता है अथॉरिटी से कि इन बच्चों को बाहर लाओ सलम एरिया से इन में जो जो मैप map, मैप्स है या शेक्सपियर की पिक्चर अंदर है इन बिचारों को बाहर लाओ उनको किसी बीच पर ले जाओ सो दैट दे विल गेट सम प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लाइफ और आ, उनका जो उनकी जो हंगर है उसकी तरफ से तरफ भी तोजा देनी चाहिए और हमारे मुल्क में ऐसे भी बच्चे हैं जो भूख से मरते हैं जो पहले ह्यूमन सिकल्टन बन जाते हैं उसके बाद वो भूख से मरते हैं। बिहार में ऐसे भी बच्चे हैं जो मिट्टी खाते हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता और मिट्टी खाने पर वो मजबूर हो जाते हैं और हम क्या करते हैं हम इतना पकाते हैं और फिर हम इतना वेस्ट करते हैं फिर डस्टबिन में डालते हैं सो so, the point wants that these children they should get uh, some vocational education and uh, so that they will um, they will live uh, in a very dignified manner and their economic problem will be solved. जब हम vocational education इन बच्चों को देंगे, जब हम Islam area में जब government Islam area में बच्चों को facilities provide करेंगे, तो इनकी जो हालत है, वो कहीं यहाँ तक सुधर सकती है। तो last part ये जो पॉइंट है ये एंड होती है एक खूबसूरत लाइन से कि जो दोज हु मेक हिस्ट्री आर दे वनस हू शाइन लाइक दे सन क्योंकि बच्चों की जो तकदीर होती है वो क्लासरूम में बनती है आ, अगर आ, अगर चाहेंगे तो ये बच्चा बेचारा आ, फूल का गुलदान भी बन सकता है स्पेशली ए चाइल्ड इन ए सलम एरिया अगर नहीं चाहे गवर्नमेंट तो ये बेचारा एक तम्बाकू की चलम बन सके एंड ही विल इन्वॉल्व इन क्राइम ही विल इन्वॉल्व इन स्टीलिंग एंड एंटी सोशल एक्टिव फिर हम कहते हैं अमिस बच्चे क्या हो? इस बच्चे को ये क्यों हुआ बट ग्रास रूट लेवल पर हमें सोचना है कि हम इस बच्चे को अटेंड नहीं करें एज ए हमें भी आ, आ, अगर हमारे Uh, आज पढ़ो मे कु गब बचा है पुर बचा है दैन वू शुड कम फारवर्ड एंड हेल्प दिस दीज चिलड्र सो दैट देे विल कम आउट आफ पुवरटी सो माई डिस स्टोड दिस इज अ शॉट समरी ऑफ दे पायम एंड एलमेंट्र दिस अ शॉट एंड एलमेंट्री सकूल कलास रूम इन एलम एरिया तो हम एज वॉल्ट्री भी कुछ कर सकते हैं नॉट ओनली द गवर्मेंट शुड कम फारवर्ड बट एज एज अ सोशल वर्कर वू शूड कम फारवर्ड एंड साल्व द प्रॉब्लमज आफ चिल्ड्रन लिविंग इन दीज सलम एरिया आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विद य फ्रेंडस शेयर दिस वीडियो विद यूर क्लास मेट्स एंड डोंट फार गेट टू वियर मॉसिक वेन एवर यू विल कम आउट ऑफ यूर House. Uh, stay home, stay safe. I care for your safety and for the safety of your loved ones. Have a good day. Allah, peace.